हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मनी टैप एप्लीकेशन के बारे में। मनी टैप एक एप्लीकेशन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ऐप्स है जो आपको 5 मिनट के अंदर यानी सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपको लोन प्रोवाइड कराने वाला है। आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है और 5 मिनट के अंदर आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने वाला पैसा। चलो इस वीडियो की शेयरिंग करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे इसमें 5 मिनट में आप यदि लोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो वो चेक करोगे और कैसे आपका एक अकाउंट बनेगा इसमें। उसके बाद हम कैसे इसमें लोन के लिए अप्लाई करोगे, कैसे क्या प्रोसेस रहेगा और एलिजिबिलिटी चेक होने के बाद जो पैसा होगा कैसे आप इसमें विड्रॉ करोगे। चलो हम इसको लाइव प्रोसेस करके दिखाते हैं, बहुत ही आसानी से बताने वाले हैं। यदि आपको जो लोन की जरूरत है और पैसे आपके कहीं नहीं मिल रहे हैं और बाय चांस आप जो कोई फाइनेंशियल प्रोसेसिंग के कारण या जो कोई पैसों की आपको अर्जेंट जरूरत है और आपको पैसा कोई दे नहीं रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है और मैं चाहता हूं कि यदि ये आपकी हेल्प कर रहा है तो हर भाई के साथ शेयर करें, क्योंकि उन दोस्तों के भी ये शायद हो सकती है दिक्कत। तो गाइज, मैं बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूं। मैं जो तरीका बताऊंगा इसे स्टेप बाय फॉलो करना, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो लाइफ टाइम आपके लिए काम आने वाले वीडियोस होते हैं। और हर भाई के साथ शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि हर भाई को पैसों की जरूरत होती है, पैसों की फाइनेंशियल दिक्कत होती है, कई जो बार वो अटक जाते हैं, उनकी सैलरी 10 तारीख होती है या 11 तारीख होती है बट अभी उनके पास बजट नहीं है, तो ऐसी दिक्कत हर भाई के पास में होती है। तो बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जितना उसके कमेंट करना। यदि आपको कोई दिक्कत होती है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है नहीं, आपको कमेंट करके जरूर बताना। यदि मिला है तो आपको जरूर यस करना है, यदि नहीं मिला है तो नो करके जरूर बताना। चलो इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। ओके सो गाइस, सबसे पहला जो आपका काम रहेगा, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है ना, उस पर क्लिक करना है। मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, जो तरीका बताऊंगा आपको उसे स्टेप बाय फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक दे रखे हैं, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इंटरफेस आपके ऐसा हो जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। देखो हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे शो हो जाएगा ये जो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है वो आपको डालनी है। जैसे आपका फर्स्ट नाम क्या है, यानी जो आपका फुल नाम है, जैसे मेरा नाम है देवेंद्र सिंह, तो फुल नाम डालना है। और इसके बाद में जो आपका एक मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड और बैंक से लिंक है वही मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद में आपको जो भी ईमेल आईडी है वो आपको डालनी है। उसके बाद लास्ट में आपको जो यहाँ पे अपना पिन कोड डाल के उसको वेरीफाई करना है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी तरीका है। अब ये जो करने के बाद आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। देन ये जो आपका होने के बाद आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, यानी आपको पूछा जाएगा क्या आप इसमें आप एक्सेप्टेड हो या नहीं हो, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो सो गाइस, अब हम जो यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे ना तो बहुत ही आसान आपको यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आपका मोबाइल नंबर, अभी जो आपने मोबाइल नंबर डाले हैं जो आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है वही नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद में आपको जो है नीचे बॉक्स पर क्लिक करना है और देन आपको बॉक्स पर दोनों पर टिक होने के बाद आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना होगा, यानी आपके पास में एक ओटीपी आएगा, ओटीपी उसको डालना है, उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपका ये नेक्स्ट ऑप्शन आपका पेज ओपन हो जाएगा। चलो हम इसमें आप डाल देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं। देन जैसे आप यहाँ पे जो अपना ओटीपी वेरीफाई करोगे, यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, जैसे कि आपका प्रोफाइल, योर प्रोफाइल स्टेटस क्या है, आपका जो फुल नाम क्या है, लास्ट नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है, ये आपको बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर डालनी होगी। जेंडर वगैरह चूज करने के बाद बहुत ही आसान है, कोई भी ऐसा इसमें ज़्यादा जो फॉर्मेलिटी नहीं देनी है, बहुत ही ईजी तरीका है, ठीक है। ये जो हो जाने के बाद, यानी आपने जो भी आपका इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपको एकदम सही सही भर देना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। और यहाँ पर जो भी सिटी वगैरह है, पिन कोड वगैरह है, आसपास के भी है जो आपके कोई डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड है तो भी वो भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। और जब तक हो सके तब तक आपका पैन कार्ड वाला और आपका आधार कार्ड वाला पिन कोड है वही डालना, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। अब ये हो गया आपका, इसके बाद में आपको इनकम प्रूफ के बारे में पूछा जाएगा। तो जो भी बंदे हैं जो या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई और जो अदर कंपनी में काम कर रहे हैं या कुछ स्टूडेंट वगैरह भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे जो भी आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट कर देना, आप कहीं पे काम करते हो तो वो भी आपका डाल सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो सेल्फ कर देना, जो भी आपको यहाँ पे अच्छा लगता है और जो आप कर रहे हो वो आपको यहाँ पर डाल के नेक्स्ट कर देना है। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा झंझट है, बहुत ईजी है, बहुत स्टेबिलिटी बता रहा हूँ, बहुत तरीका फॉलो करना है देखो, ठीक है। और ये हो जाने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ यार, देख यहाँ पे कुछ एनुअल वगैरह पूछा जाता है तो आपको जो भी आपके एनुअल होती हैं वो आपको यहाँ पर भर देना, चाहे आपकी जो भी मंथली सैलरी हो, टेकआउट सैलरी हो, जो भी है आप यहाँ पर डाल देना। अब हमने यहाँ पे जो 20,000 भी डालोगे, 25,000 डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपकी एकदम मिनिमम है वो आपको यहाँ पर डाल देनी, जो भी आपके 15,000 है, 10,000, 15,000 जो भी। अब यहाँ पे देखो जैसे हमने किया नेक्स्ट, यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक की जा रही है। अब जैसे ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी आपको तुरंत आपको मिल जाएगा अप्रूवल,
तो जी हाँ, अभी हमें कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है और आपका अप्रूवल भी मिल चुका है और आपके मोबाइल नंबर पे भी तुरंत मैसेज आएगा क्या आप इसके लाइक हो या नहीं, यानी एलिजिबिलिटी आपकी है या नहीं है। तो हमें 7,000 तक की इसमें लिमिट मिली है, अभी हम चाहे तो इसको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। चलो आगे मैं प्रोसेस करता हूँ इसमें बैंक अकाउंट में कैसे लेना है। तो सबसे पहले है जो आपको कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करना होगा, देन आपको यहाँ पर नीचे एक कंप्लीट केवाईसी लिखा आ रहा है ना, जो यहाँ पर केवाईसी पर क्लिक करना है। देखो इसमें केवाईसी जैसे आप कंप्लीट करोगे ना, तो ये तभी आपका बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बाकी जो आपका पैसा नहीं आने वाला है। तो आपको कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करना होगा। कंप्लीट जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी जो बहुत ही आसान है। सबसे पहला जो आपको बैंक जो फॉर्मेलिटी वगैरह दे रखी है ना, इस पर क्लिक करना है बैंक जो, और इसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, वो भी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। जैसे आप यहाँ पे बैंक पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जो आप कंपनी में काम कर रहे हो, कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, पिन कोड वगैरह, सो जो बेसिक जानकारी आपको डाल ली, और कैसे आपको पेमेंट कैसे मिल रहा है, आपको बैंक अकाउंट में आता है, चेक मिलता है या कैश मिलता है, जो भी है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल देनी है। चलो हम आपको यहाँ पे डाल के दिखा देते हैं। इसके बाद में आपका जो भी मदर नाम है, फादर नाम है, वो बेसिक के जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, हमने यहाँ पे मदर नाम फादर नाम जो भी डाल दिया, उसके बाद सेव कंटिन्यू करते थे। चलो ये कर दिया हमने। अब जैसे ही हमने करियाना कंटिन्यू, तो आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ ऑफिस एड्रेस वगैरह पूछा जा रहा है। देखो ऑफिस एड्रेस जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे डाल सकते हो, या जहाँ आप रह रहे हो वहाँ का एड्रेस डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और पिन कोड वगैरह डालते हैं सही, उसके बाद सेव कंटिन्यू कर देंगे। देन बहुत ही आसान है ये, और यदि आपका पिन कोड वगैरह नहीं मिल रहा है तो अपने गूगल मैप को ओपन करो और लोकेशन ट्रैक करो, जहाँ पे अपनी मई लोकेशन पे क्लिक करोगे तो जो भी आपकी लोकेशन होगी वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है, तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कंटिन्यू विथ KYC क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो देखो बहुत ही आसान है ये, आप KYC पे क्लिक करोगे ना, जैसे आप यहाँ पे KYC पे क्लिक करोगे तो आपका आधार कार्ड का बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, ऑनलाइन आपका यहाँ पे वेरीफाई होने वाला है, कोई भी आपको ऐसा जो फोटो वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहला यहाँ पर आपको जो जानकारी पूछी जा रही है आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, जो आपको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना। देन जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, जो आपका आधार कार्ड नंबर है यानी आपका एंट्रोल नंबर हो गया वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो भी आपका कैप्चा दे रखा है वो आपको कैप्चा यहाँ पर डालने के बाद नीचे बॉक्स पर टिक करना है। टिक के करोगे जैसे ही आप टिक करोगे यहाँ पे, और प्रोसीड का ऑप्शन आपका शो हो जाएगा, तो प्रोसीड कर देना है। देन हम ये भर देते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं। चलो ठीक है, ये हमने जो जैसे ही अपना जो भी आधार कार्ड नंबर है, जो बेसिक है, जो कैप्चा आरका है, वो हम भर देते हैं। भरने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। ऐसा नहीं है, घबराना नहीं है, जो जो आपको सही सही है ना वो ही भरना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ये जैसे हमने किया ना तो OTP आएगा, आपके मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है उनके पास OTP आएगा। जैसे हमने डाला OTP आ गया, OTP आपको यहाँ पर डाल देना है, OTP आपको सही से डालना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो आप चाहो तो आप 1, 2, 3, 4 भी कर सकते हो, चाहो तो आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे जो आपको याद रहे। ठीक है, आप 4 डिजिट कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पे आधार कार्ड वेरीफाई करोगे ना, तो यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक है, जो आपका डाटा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखो हमारा जो बेसिक जानकारी आपको देखने को मिल रही है। अब ये जो सही सही है आपका, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे रेड पट्टी पे, यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे आप फिनिश करोगे तो ये आपका थोड़ा टाइम लेगा और आपका सेल्फी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। देखो जैसे यहाँ पे आप अपलोड क्या हुआ, ये जो अपलोड योर सेल्फी करना है, तो अपलोड योर सेल्फी लिखा आ रहा है वहाँ पे क्लिक करना है और कैमरा ऑन हो जाएगा। कैमरा ऑन होने के बाद आपको कंटिन्यू करना है और कैमरा को अलाउ परमिशन कर देना है, उसके बाद में आपको सेल्फी लेनी है। ठीक है, जैसे आप सेल्फी लोगे ना तो ये आपका अकाउंट है 100% क्लियर हो जाएगा और आपको थैंक यू सो मच ऐसा लिखा आएगा और आपका अप्रूवल सक्सेसफुली। तो गाइस जैसे आपका ये जो अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद में आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और वहाँ पे जो मनी टैप लिखना है और आपका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उस मनी टैप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और इसमें लॉग इन करना है। देखो ऐप्स हमने ओपन कर दिया, यहाँ पर आपको लॉग इन के बहुत से मिल जाएंगे, जो आपको फेसबुक से लॉग इन कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो आपने मोबाइल नंबर डाले हैं ना उससे आपको मोबाइल नंबर पर ही आप लॉग इन करना है। मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो आपको डाल के यहाँ पे जो बॉक्स में टिक करना है उस पर गेट OTP क्लिक करना। देन जैसे आप यहाँ पे गेट OTP क्लिक करोगे आपके पास में एक OTP आ जाएगा, OTP को डालना है, उसके बाद में वेरीफाई हो जाएगा। तो ये अकाउंट को आपका वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको क्या करना है,
तो सो गाइस थोड़ा जो वेरीफाई होने में हमारा नेट स्लो होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रही है, वेरीफाई देखो कर देना है। वेरीफाई में ओटीपी आ गया हमारे, वो कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू किया जाए तो आपको यहाँ पे जो लिंक योवर ईमेल आईडी आपको देखने को मिल रहा होगा, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है कंटिन्यू योवर ईमेल आईडी पे क्लिक करना है और जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको चूज कर देनी है। आपके फोन में जो पहले से लॉगिन होगी तो आपको शो हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे जो जो भी आपकी आईडी है वो आपको चूज कर देनी है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। देन बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी तरीका है। आप यहाँ पे जो आप कंटिन्यू करोगे ना, आप जो भी आपकी आईडी, अब जो का इसका नाम को यहाँ पे जो जो भी परमिशन दी जा रही है परमिशन हमको अलाउ कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। देन आप जैसे ये जो एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के बाद जो भी परमिशन मांगी जा रही है वो आपको परमिशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। जो हमारी परमिशन है वो सब हमको यहाँ पे अलाउ कर देनी है। उसके बाद देखो जो भी आपका स्टेटस होगा वो आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपका अप्रूवल तो मिल चुका है आपको, अभी पैसा आने में थोड़ा कुछ टाइम है तो आपको थोड़ा वेट करना है। आपका जो भी स्टेटस है वो आप देखना चाहो तो यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकर पे क्लिक कर देना है, जो भी आपका स्टेटस है वो देख सकते हो। ठीक है, अभी हमें लिमिट मिली हुई है, हमारा स्टेटस आपको व्यू स्टेटस भी देख सकते हैं, तो बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है, लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन दे रखी है, अभी जाके चेकआउट करो, जो भी आपकी लिमिट है चूज़ करो और जो भी आप पैसा चाहते हो वो आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है,